सोनिया गांधी जी रोई, आतंकवादी के मरने पर रोती हैं। बीजेपी निशाना रे कांग्रेस राहुल को परे एबे सीधा सोनिया गांधी को टारगेट करिछंती जेपी नड्डा। जो देश को कमजोर करता है उनके साथ खड़े दिखते हैं, ये है घमंडिया अलायंस, ये है इंडी अलायंस। बिहार मधुबनी रे निर्वाचनी प्रचार रे इंडी मेंटो को घमंडी मेंटो कहिले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। यहासह विरोधी को इंडी मेंटो को परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार मेंटो कहिले नड्डा। मित्रों, जो देश को कमजोर करता है वो इनके साथी हैं, जो देश को कमजोर करता है उनके प्रति इनकी हमदर्दी है, जो देश को कमजोर करता है उनके साथ खड़े दिखते हैं, ये है घमंडिया अलायंस, ये है इंडी अलायंस। बताइए, ऐसे लोगों को आप आशीर्वाद देंगे क्या? आप आगे आने देंगे क्या? देश को खंड खंड करुवा लोगों को कांग्रेस टिकेट दिए बोली कहिछंती जेपी नड्डा। से कहिछंती जेतेबेले दिल्ली बाटला हाउस एनकाउंटर रे आतंकवादी निहत हेले सेतेबेले सोनिया गांधी समानंक मृत्यु पाई कांदिले। देशद्रोहीक सह कांग्रेस रो कोन संपर्क बोली पचारिछंती नड्डा। देश को दुर्बल करुवा लोगों को कांग्रेस सहयोग करुछि, दया देखाउछि कहि बरसिछंती जेपी नड्डा। बाटला एनकाउंटर होता है, आतंकवादी मारे जाते हैं और इनके नेता बोलते हैं सोनिया गांधी जी रोई, आतंकवादी के मरने पर रोती हैं। ये क्या देशद्रोहियों के साथ क्या आपका संबंध है? क्या आपको हमदर्दी है? क्या आपको उनमें पसंद आता है? केवल इतनी की नुहे पाकिस्तान को प्रसंग करी कांग्रेस को घेरी छंती जेपी नड्डा। पाकिस्तान रे हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक रो प्रमाण कांग्रेस मांगी थी से कही छंती। तबे एभली दल को सपोर्ट करिबा नै बिहारवासी को प्रश्न करी छंती राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। एपरिकि लालू यादव मध्य एथिरु बाद पड़ी नहंती। चारा घोटाला प्रसंग रे लालू को भी टारगेट करी छंती जेपी नड्डा। से कही छंती बिहार रे लालू का परिवार चारा घोटाला ठू भी बड़ दुर्नीति करी छंती। चाकरी ना रे जमी दुर्नीति करी थिबा कहि लालू को निशाना करी छंती जेपी नड्डा। जदि आपणको आम भिडियोटि भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।